हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गोल दामन हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाएंगे छोटी बच्ची के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम गले की पट्टी रखेंगे और इस तरह से गुलाई में सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से छोटी बच्ची के लिए सूट बनाया है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें बी सेंटर पर एक कट लगाना है और एक निशान भी लगा देंगे बिल्कुल बी सेंटर पर। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको भी हमें अच्छे से बराबर रखना है और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें गले की पट्टी रखनी है। कट और जो हमारा निशान है, इन दोनों को मिला के रखना है, ठीक है। और इस तरह से गुलाई में सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। इस तरह से आधा इंच का कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। कट हमें इस तरीके लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने गले को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ गुलाई में पट्टी लगाएंगे। तो पल्ले को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें पूरी गुलाई में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर हल्की सी सफाई के साथ कटिंग कर देंगे इस तरह से गुलाई में। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और सीधी तरफ से हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर एक बार और फोल्ड करेंगे अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने देखी पट्टी को सिल लिया है सीधी तरफ से। इसमें हमें प्रेस लगा लेनी है तभी जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। यहाँ पर हमने दूसरे कलर की पट्टी लगाई है तो इससे हमारा जो दामन है तो वो और भी सुंदर लगने लगा है। और सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले में अलग से पट्टी लगाई है गुलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखनी है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो शोल्डर को इस तरह से मिलाएंगे और पीछे की तरफ हमें कट लगाना है। फिर हम यहाँ पर कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की लंबाई हमारी 4 इंच है। तो इस तरह से हमने कॉलर की पट्टी कटिंग करी है। इसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर इस कॉलर की पट्टी को इस तरह से सिल लेते हैं नीचे से फोल्ड करके। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे कपड़े को और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। साइड में सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इसको हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसमें बड़ी सिलाई लगाएंगे। उस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। फिर हम इसको फोल्ड करेंगे भी सेंटर पर और कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमें दोनों कट को इस तरह से मिलाना है, ठीक है, और सिलाई लगाएंगे। सूट हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे और इस तरह से आधी साइड में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और सिलाई को हमें निकालना नहीं है, फिर से घुमाकर दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और शोल्डर के पास देखिए हमने दोनों तरफ से कट लगाए हैं। कट हमने इसीलिए लगाए हैं कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधी तरफ से देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी कट लगा लेना है। अब हम यहाँ पर सूट की फिटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने कटिंग की वीडियो में निशान लगाए थे, ठीक है। तो हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग और साइड में कट भी लगा दिए हैं, ठीक है। और हमारा इतना सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बाजू सिलेंगे। तो बाजू सिलने के लिए यहाँ पर हमने फ्रिल को लिया है, इसको इस तरह से किनारे पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और एक कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो कट और जो फ्रिल में कट है इन दोनों को मिलाना है इस तरह से और सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू में फ्रिल को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे, इससे बाजू हमारी और भी सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर हमने सीधी पट्टी को लिया है, इसको तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर हमें हल्की सी पट्टी कटिंग कर देना है। और पट्टी को हम इस साइड में कर लेंगे और एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, देखिए हमारी बाजू कितनी सुंदर लग रही है अलग से पट्टी लगाने पर। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और बाजू को लेंगे, बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे, और जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा हाफ कॉलर गोल दामन सूट सिलकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।